हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी के एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे हम सभी कभी न कभी प्रभावित हुए ही हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जब हमारे शरीर में नस चढ़ जाती है तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। शरीर में नस चढ़ जाना एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। जब कभी हमारे बॉडी के किसी पार्ट में, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, बाजू हो, गर्दन हो, कहीं पर भी जब नस चढ़ जाती है तो वहाँ का नस 15 मिनट तक सख्त हो जाता है, जिसके कारण उस सख्त नस के कारण हम मूवमेंट भी नहीं कर पाते उस जगह का, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। बहुत सारे लोग काफ़ी सारा उपाय करते हैं लेकिन उससे भी उनको आराम नहीं मिलता। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज इस वीडियो के द्वारा कि ये शरीर में नस क्यों चढ़ता है, इसके कौन कौन से कारण हैं, और साथ ही कुछ ऐसे आसान से घरेलू उपाय जिससे कि ये नस चढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो उसी समय आपको इंस्टेंट चुटकियों में ही राहत दिला देगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जब हमारे शरीर में बार बार नस चढ़ता है तो उसका कारण क्या होता है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की मात्राओं की कमी होती है, या कह सकते हैं जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है, या जब हम कभी काफ़ी लंबे समय तक गलत पोजिशन में, या कह सकते हैं एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं, तो उसके कारण होता यह है कि हमारे शरीर के किसी भी पार्ट पर नस चढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कभी हमारे शरीर में पौष्टिक आहार की कमी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुगर की बीमारी से प्रभावित होते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम बार बार हो सकती है। इसके साथ ही फ्रेंड, जो लोग बार ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं यानी नशा करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम भी होना कॉमन सी बात है। नस चढ़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जब जिस टाइम नस चढ़ी हो उस टाइम ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से तुरंत आपको राहत मिलेगी और ये जो नस है वो खुल जाएगी। सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि आपको तुरंत चुटकी भर नमक मुंह के अंदर डाल लेना है। इससे होता यह है कि वो हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम की जो कमी है उसको तुरंत के तुरंत पूर्ति करता है, और हमारे जो नस है जो ब्लॉक हो चुकी रहती है वो धीरे धीरे खुलने लगती है, और ये जो नस चढ़ने की जो समस्या है उससे आपको राहत मिलेगी। तो नमक सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, तो आप नमक खाकर तुरंत इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपके घर में केला हो तो आप तुरंत उसी टाइम उस केले को खाइए, जिससे कि आपके शरीर में जो पोटेशियम की कमी है वो भी दूर होगी और तुरंत के तुरंत ही कुछ ही सेकंड में ये जो नस चढ़ने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, शरीर के जिस भाग में यानी कि दाईं तरफ या बाईं तरफ, जिस भी भाग में आपको ये नस चढ़ने की प्रॉब्लम हुई है, उसी भाग के उसी हाथ के नाखून को यानी कि जो बीच की उंगलियों के जो नाखून होते हैं उसको अगर आप कस के पकड़े रहेंगे तो उससे भी ये नस चढ़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दाएं भाग के किसी पार्ट में आपको नस चढ़ा है तो आप दाएं हाथ की नाखून के यानी कि बीच की उंगली के नाखून को आप प्रेस किए रहिए, तब तक प्रेस किए रहिए जब तक कि वो नस का जो ब्लॉकेज है वो खुल ना जाए, तो उससे भी आपको तुरंत आराम मिलता है और वहाँ की जो नस है वो जल्दी खुलती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप खड़े होकर कमर के बीच में यानी कि आपको जिस टाइम आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप अगर आप सीधा खड़े हो सकते हो तो सीधा खड़े होकर कमर के रीढ़ की हड्डी जहाँ पर ख़त्म होती है, उस रीढ़ की हड्डी के यहाँ जहाँ पर ख़त्म हो रही है वो, वहाँ पर तेल का मालिश करने से भी वहाँ का जो ब्लॉकेज है वो खुलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब तो ऐसे उपाय हैं जो कि इंस्टेंट आराम देते हैं, लेकिन अगर आपको ये नस चढ़ने की प्रॉब्लम बार बार होती जा रही है तो कुछ ऐसे भी उपाय हैं, या कह सकते हैं ऐसे कुछ बचाव हैं जिसको करके आप ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों में बहुत तेज़ी से नस पकड़ता है यानी कि नस चढ़ता है, तो आपको करना ये है कि जब भी आप रात को सोएं तो अपने पैरों को थोड़ा ऊँचा करके सोएं। इसके लिए आप उसकी पैरों के नीचे तकिया लगा सकते हैं, एक तकिया, दो तकिया। इससे क्या होगा कि जो पैरों में जो नस चढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है वो कम होगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो आप ठंडे और गर्म की सिकाई कर सकते हैं, यानी कि एक टप में आपको हल्का गुनगुना पानी लेना और एक टप में ठंडा पानी लेना, यानी ऐसा ठंडा जो चिल्ड, एकदम बहुत ज़्यादा चिल्ड हो, तो एक बार पैर उसमें डालना है और फिर थोड़ी सेकेंड के बाद दूसरे वाले में डालना है। ऐसा करके गर्म ठंडे का सिकैया कर भी आप राहत पा सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको अपने भोजन में फाइबर युक्त भोजन करना है, जिससे कि आपके शरीर में फाइबर की पूर्ति हो सके और ये प्रॉब्लम कम हो सके।
इसके साथ ही जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं यानी जिनका वेट बहुत ज़्यादा है तो उनको भी ये प्रॉब्लम बार बार हो सकती है, तो उनको अपना वेट लॉस करने का प्रयास करना चाहिए जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो लोग नशा करते हैं यानी बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले तो उनको अपने शराब पर कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।